डी इक्वल्स टू आर एच डी। एल एच डी को कैसे लिखते हैं, एफ डैश ए माइनस, इसको कैसे लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस। आर एच डी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, लिमिट एच टेंड टू जीरो। यस, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, करेक्ट। एफ डैश ए माइनस का एल एच डी का फॉर्मूला बोलो बच्चों। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच या माइनस एच, माइनस माइनस एच। तो अगर एल एच डी और आर एच डी दोनों सेम है और फाइनाइट है, देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशियबल एंड देन एफ डैश ए की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, करेक्ट ना? यस सर। अच्छा मैंने नोट लिखाया था, बट लेट मी आस्क यू, ये एच टेंडिंग टू, जैसे यूजुअली एच टेंडिंग टू टू लिखते हैं तो उसका तो मतलब टू प्लस टू माइनस दोनों होता है, करेक्ट एवरीवन? यस। बट यहाँ पे जो ये एच टेंडिंग टू जीरो है, इज इट जीरो प्लस, इज इट जीरो माइनस और इज इट बोथ? जीरो प्लस। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो क्योंकि कन्वेंशन है कि ऐसे ही लिखते हैं, बट वो है जीरो प्लस। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, एल एच डी वाला ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आज हम देखेंगे कि एल एच डी आर एच डी फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा हम डिफरेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि कम ऑन एग्री करना। इधर एक एग्जांपल बता ही देता हूँ जिससे थोड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी। अगर एफ ऑफ एक्स है मान लो थ्री प्लस एक्स, थ्री प्लस एक्स फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे है थ्री प्लस एक्स फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो फोर हो गया, और टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर, फोर एक्स लेस देन वन। तो इसके लिए एक बार जस्ट एल एच बी आर एच बी निकाले एवरीवन, एक ही चीज निकाल लेते हैं कम से कम। आर एच बी बताओ, चलो एफ डैश वन प्लस, क्या फॉर्मूला लिखूँ फर्स्ट प्रिंसिपल का, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस ए वन प्लस एच माइनस, बोलते जाओ फटाफट, एफ ऑफ, एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। चलो एफ ऑफ वन प्लस एच, फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, थ्री प्लस वन प्लस एच, सही लिखा है एवरीवन? यस। एफ ऑफ वन फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, थ्री प्लस वन फोर डिवाइडेड बाय एच, ओपन करूंगा तो थ्री प्लस वन दैट इज फोर प्लस एच माइनस फोर डिवाइडेड बाय एच, फोर से फोर चला गया, आर एच डी वन आ गया, करेक्ट ना? यस सर। हाँ भाई yes. देखो आर एच डी वन आ गया, बट आर एच डी तो इतने सिंपल तरीके से भी निकाल सकता था। देखना आर एच डी मतलब फर्स्ट ब्रांच ही आएगा, ये तो क्लियर है ना? तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, आ गया देखो, कम ऑन, वन प्लस वन दिख रहा है एक झटके में आ गया। यस सर। कैसे डिफरेंशिएट करने से, एल एच डी, एल एच डी का आंसर कितना आ जाएगा सोचो, टू, टू, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आएगा डिफरेंशिएशन से भी आएगा, बट व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज ऑलवेज एप्लीकेबल, फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन? फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन हमेशा नहीं लगेगा, बहुत बार गलत आंसर देगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि कब डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एल एच डी और आर एच डी, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। हेडिंग लिखो फिर आप, ये तो जस्ट रिविजन था, नथिंग एल्स, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके स्टॉप राइटिंग, इंटरेक्ट विथ मी, थोड़ा सा रिविजन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का। एक्स इक्वल्स टू ए पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है? नो, नॉट कंटिन्यूस, करेक्ट ना? यस सर। ओके देन मॉड एक्स जीरो पे, वाई इक्वल टू मॉड एक्स जीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं? कंटिन्यूस, हाँ बिल्कुल है ना एवरीवन? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एवरीवन? यस सर।
और अब से मैं ग्राफिकली विजुलाइज करने के लिए कैन आई से लाइक दैट कि कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक्स, कैन आई से लाइक दैट नो ब्रेक्स? यस सर. यहाँ पे ब्रेक आया था, देखो यहाँ पे आया था ब्रेक, आया ऊपर जगह फिर नीचे आया, इसलिए यहाँ नॉट कंटिन्यूस था, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं है इसलिए कंटिन्यूस है. नाउ आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास वाई इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशियबल होता है जीरो पे या नहीं होता है, याद कर लो. नो, ऑल ऑफ यू रिमेम्बर लेफ्ट साइड का टेंजेंट और राइट साइड का टेंजेंट सेम नहीं होता है, याद आया कार्टूनो? यस सर. क्या सबको दिख रहा है कि राइट साइड का टेंजेंट मतलब आर एच डी ऐसा है और लेफ्ट साइड का टेंजेंट मतलब एल एच डी ऐसा है, तो दोनों डिफरेंट है इसलिए वी से इट इज नॉट डिफरेंशियबल. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे यस नॉट डिफरेंशियबल है, बट अगर ऐसा ही सिमिलर ग्राफ बट ओरिजिन पे ऐसा शार्प पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या शार्प पॉइंट है, कैन आई से शार्प पॉइंट एवरीवन? हाँ ना, ये शार्प है ना सर? यस. इसी को अगर मैं स्मूथ ग्राफ बनाऊं जो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, किसका? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्मूथ है ना, आराम से एवरीवन, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है. यस सर. डायग्रामेटिकली फील करो ओरिजिन पे लेफ्ट साइड पे भी टेंजेंट ऐसा है और राइट साइड पे भी टेंजेंट ऐसा ही है, कम ऑन फील करो. क्या दिख रहा है सबको? यस सर. तो व्हाट डू यू थिंक ग्राफ को देखने से, एल्जेब्रिकली तो हम बहुत बार डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, क्या ये कंटिन्यूस है ओरिजिन पे? हाँ है ना? यस. व्हाट डू यू थिंक, इज इट डिफरेंशिएबल आल्सो एट x इक्वल्स टू 3? हाँ है ना? यस सर. हाँ है, क्योंकि लेफ्ट साइड का टेंजेंट तुम्हें ज्योमेट्रिकली फील आना चाहिए, अभी एल्जेब्रिकली तो मैं शो कर ही दूंगा बाद में, वही सीख रहे हैं एक्चुअली कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टेंजेंट बिल्कुल सेम दिख रहा है, इसलिए दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. तो अभी के लिए रफली बोल सकते हैं कि अगर कहीं शार्प पॉइंट हुआ तो वहां पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, करेक्ट एवरीवन? हाँ बच्चों. यस. क्या बोला कि एट शार्प पॉइंट कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशियबल नहीं होता. यहां तक किसी को इश्यू? कॉपी करो, यहां तक कॉपी टू लियर. Copy to later everyone, fast. Differentiable मतलब tangent exist करना चाहिए left side से और right side से same tangent. तो mod x के लिए origin पे left side और right side का tangent same नहीं होता है इसलिए non differentiable. But y equal to x square पे yes tangent मतलब curve का direction बिल्कुल same है. LHD RHD को algebraically check करके देख ही सकते हैं, but हमें अभी graphically देख रहे थे. Yes, 10 seconds or copy fast. यस एवरीवन, कॉपी हो गया यहाँ पर? यस सर. चलो मेरे साथ देखो, इधर
वापस इन डायग्राम में. इन द थर्ड डायग्राम इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, करेक्ट एवरीवन? यस सर. अच्छा, कंटिन्यूस क्यों, नो ब्रेक्स. डिफरेंशिएबल क्यों, क्योंकि कर्व का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में सेम है. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? यस सर. ओके, सेकंड ग्राफ में कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, करेक्ट ना? यस सर. कंटिन्यूस इसलिए है विदाउट ब्रेक, नॉन डिफरेंशिएबल इसलिए क्योंकि लेफ्ट साइड से डायरेक्शन और राइट साइड से डायरेक्शन अलग अलग है. एग्रीड? यस सर. यस, फर्स्ट ग्राफ में इट इज नॉट कंटिन्यूस क्योंकि ब्रेक है. एग्रीड? यस सर. वॉट अबाउट डिफरेंशियबिलिटी, फर्स्ट ग्राफ में डिफरेंशियबिलिटी? दिमाग लगा लो आराम से. कम ऑन, लेफ्ट साइड से डायरेक्शन क्या एक ही तो ना दिख रहा है मुझे? लेफ्ट साइड से मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, फिर तो एकदम से जंप मार के ऊपर चला गया ना. कम ऑन, डायरेक्शन तो वर्टिकल हो गया एक तरीके से सोचो, आया ना? यस सर. और फिर उसके राइट में गया तो वापस नीचे की तरफ हो गया, क्या डायरेक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है. और ये एल्जेब्रिकली भी फील करेंगे कि कंटिन्यूस नहीं है और नॉन डिफरेंशिएबल है. एक्चुअली वी हैव टू प्रूव, अब जो भी हम करेंगे, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है. क्या ये क्लियर है बच्चों, क्या बोला मैंने? रिपीट करो. यस सर. अरे कम ऑन, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कंटिन्यूस नहीं है तो वो तो अलग अलग तरीके से हो सकता है, तुम खुद बताओ. अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर यार डायरेक्शन सेम कैसे बात करोगे? यहाँ से तो एकदम से यहाँ जंप मार गया, फिर यहाँ से यहाँ मार गया. कभी तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऐसा हो गया उल्टा, कि यहाँ पे कर्व और यहाँ पे कर्व बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, एक टेंजेंट इधर है, टेंजेंट की इक्वेशन भी सेम होनी चाहिए और एक टेंजेंट तो बिल्कुल वहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अलग अलग इक्वेशन ही होगी ना एवरीवन? यस सर. और अच्छी तरीके से और समझना है तो और समझ लो. चलो देखो, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर से चालू कर रहा है, दोनों का स्लोप सेम है. यस और नो, दोनों की लाइन की इक्वेशन का स्लोप सेम है बट इक्वेशन थोड़ा सेम है. जल्दी से एग्री करो. दोनों लाइन तो अलग अलग ही होगी ना एवरीवन? ये लाइन की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन तो अलग अलग ही होगी ना? यस सर. तो इक्वेशन अलग है तो टेंजेंट अलग है ना एवरीवन? यस सर. मतलब तो उस तरीके से सोच सकते हो कि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है. मैं अल्जेब्रिकली प्रूव कर लूंगा बट थोड़ा ज्योमेट्रिकली फील आना चाहिए. तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया मेरे साथ, इंटरेक्ट करो. रेडी? यस सर. ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है? फंक्शन कंटिन्यूस है तो इज इट डिफरेंशिएबल 100%, इज इट 100% नॉन डिफरेंशिएबल या मे बी? कम ऑन, मे बी. मे बी, वेरी गुड. मे बी डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सी द सेकंड एंड थर्ड ग्राफ, ऑल ऑफ यू विल एग्री नाउ. कम ऑन. यस सर. यस सर. वेरी गुड. अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, 100% differentiable, 100% non-differentiable, maybe. Non-differentiable. Non-differentiable. 100% non-differentiable ही होगा. Continuous नहीं है तो differentiable नहीं हो सकता. फिर एक ही तरीके से कैसे direction आएगा, कैसे equation आएगी? क्योंकि continuous नहीं है, break हो रहा है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता. This we will prove algebraically also. यहाँ तक clear? Yes sir. Okay, अब reverse की बात कर लें. Continuity से differentiability तो judge कर लिया, देखो agree करो. Come on. Yes sir. अब डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी जज कर ले एवरीवन? यस सर. जो मुझे प्रूव करके तुम्हें एक्चुअली दिखाना पड़ेगा अभी. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये मैंने इतने अच्छी तरह अभी समझाया नहीं, अभी समझाऊंगा, बट यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, 100% कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, मे बी? 100% कंटिन्यूस. हां, 100% कंटिन्यूस ही होगा. अरे अगर डिफरेंशिएबल है मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बिल्कुल स्मूथ है, कम ऑन, सेम ही डायरेक्शन होना चाहिए, तो फिर वो कंटिन्यूटी तो होगी होगी, ब्रेक तो होगा ही नहीं. कम ऑन. यस सर. क्या ये फील आता है बच्चों कि x इक्वल्स टू a पे लेफ्ट साइड से टेंजेंट और राइट साइड से टेंजेंट सेम है, तो फिर तो वो तो स्मूथ भी होगा ही होगा ना एवरीवन, कंटिन्यूस होगा ही होगा? यस सर. दिस वी विल प्रूव एल्जेब्रिकली राइट नाउ. यस, अभी प्रूव भी करेंगे. ओके, लास्ट चीज, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी नॉट कंटिन्यूस, मे बी. मे बी. Very good, maybe. See the second graph. Come on, agree karo. Second graph. Yes, sir.
यहाँ तक क्लियर है सबको चीजें? अभी मैं प्रूव करूंगा इनको, बट ज्योमेट्रिकली विजुलाइज वे में क्लियर है यहाँ तक? यस सर। लिख लो, हाँ बच्चों आर बी डन? आगे बढ़े हैं? Yes, तो अब दो चीज प्रूव करूंगा मैं, क्या क्या प्रूव करना है मुझे? एक तो ये वाला पार्ट, कि डिफरेंशिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूस होगा, और एक ये वाला पार्ट, क्योंकि ये दोनों ही 100% श्योरिटी चीजें बोल रहे हैं, बाकी दोनों तो मैं भी बोल रहे हैं, देखो yes, ना? Yes, sir. ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ है ना? लाउड वॉइस पूरा ग्रुप, कम ऑन। यस सर, यस सर। चलो पहले प्रूव कर लेते हैं, तो प्रूव गिवन क्या है पहले? चलो गिवन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस 100% श्योरिटी के लिए दिखा रहा हूँ, तो यू डोंट नीड टू कॉपी इट, जस्ट पे अटेंशन हियर। एंड क्या प्रूव करना है बोलते जाओ, व्हाट डू यू वांट? एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल बोल रखा है और कंटीन्यूअस प्रूव करना है, तो चलो अब गिवन मैथमेटिकली व्हाट इज गिवन, कि डिफरेंशिएबल है तो कैन आई से एफ डैश ए इज अ फाइनाइट वैल्यू? एवरीवन एफ डैश ए? यस सर, एफ डैश ए फाइनाइट है, मतलब कौन फाइनाइट है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो f of a plus h minus f of a upon h, एक finite value है, lambda ले लूं, चलेगा ना? Yes sir. Finite value, ये given है, और prove क्या करना है मुझे, कि ये continuous है, continuous मतलब क्या prove करते हो? LHL equals to RHL equals to f of a, ये prove करते हो cartoon? Yes sir. LHL मतलब limit x tends to, क्या लिखूं? या limit h tends to zero f of a minus h, यही होता है ना LHL everyone? Yes sir. RHL मतलब limit h tends to zero f of a plus h, यही होता है ना everyone? Yes sir. Is equals to f of a, ये prove करना है। तो prove कर रहा हूँ कैसे? Let's start with f of a plus h minus f of a. मैंने इससे start किया, कर सकता हूँ ना? Yes sir. कौन smart है बताओ? मैं क्या prove करूँगा कि this is equal to? जीरो, वेरी गुड। अगर मैंने ये जीरो प्रूव कर दिया तो आर एच एल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्रूव हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर, यस सर। मैंने इससे स्टार्ट किया और क्या बोलूंगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब मुझे किसको यूज करना है? ये बॉक्स को यूज करना है, दिख रहा है ना? यस सर, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? कम ऑन बी स्मार्ट, एच से और अब क्या लगा दूंगा? डीएस लगा दूंगा, कितना आंसर आ गया एवरीवन? जीरो। अगर ये जीरो प्रूव हो गया तो सबको क्लियर है कि एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए प्रूव हो गया एवरीवन? RHL, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, RHL इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्रूव हो गया एवरीवन? यस, यस सर। ऐसे सिमिलरली LHL भी प्रूव कर लूंगा, आर वी डन विद दिस एवरीवन? यस सर, यस सर।
तो ये देख लो, आई होप तुम्हें भी दिख रहा है कि ये तो बस भाषणबाजी है। तो अब तो कन्विंस हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूस होगा ही होगा एवरीवन। यस सर, यस सर। अगर तुम्हें एक कॉपी करने की इच्छा है तो लीव सम स्पेस, व्हेन आई विल सेंड यू द नोट्स यू कैन कॉपी देन, राइट नाउ नो नीड टू कॉपी। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज, एक और चीज प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव करना बाकी है बताओ? व्हाट डू यू वांट टू प्रूव एंड व्हाट इज गिवन? कम ऑन। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 100% कंटिन्यूअस। ऑन कार्टूनो, ये प्रूव हो गया, ये वाला डन। नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अगर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है तो वो पक्का 100% क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गिवन क्या है कि फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब RHL इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, करेक्ट ना एवरीवन? या किसी कारण से नहीं है, कहीं से भी ले लो, कुछ ना कुछ तो रीजन है। या तो LHL इक्वल टू RHL नहीं है, लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है तो वैसे ही सबका बड़ा हो जाएगा। तो मैं किसी सेंस से चालू कर रहा हूँ, लेट्स से ये वाला पे केस वन ले लिया। केस तो तुम ले सकते हो कि LHL इक्वल नहीं है, केस थ्री ले सकते हो LHL RHL इक्वल नहीं है, समझ गए ना? यस सर। मैं एक केस के लिए समझा रहा हूँ। तो दिस एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एवरीवन एग्री? यस। अब RHB की बात करता हूँ मैं। RHB कौन होता है? लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। यस सर? यस। अच्छा, ऊपर से देखना, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a जीरो नहीं है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस। कम ऑन, लेट मी सी हाउ स्मार्ट यू आर। प्रूव हो गया है तो देखो। कम ऑन, कौन समझा सकता है? एनीबडी? ये वाला पार्ट जीरो नहीं है, कम ऑन। दैट्स नॉट इट। डिफरेंशिएबल मतलब RHB फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए? फाइनाइट। फाइनाइट। न्यूमरेटर वाला पोर्शन डीएस लगा के फॉर्म चेक कर रहे हैं, डिनोमिनेटर तो जीरो पे जा रहा है, एग्री करो? यस सर। और न्यूमरेटर फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम सब इजीली देख रहे हैं क्या जीरो है या नहीं है? नहीं है। नॉन जीरो वैल्यू डिवाइड बाय जीरो, जीरो तुम्हें ही पता है, जीरो प्लस है, वो तो इनफाइनाइट होगा ना बच्चों? कम ऑन। यस यस सर। तो कैन आई से प्रूव हो गया एवरीवन, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल? यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर? वेलकम। यस यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट चीज, अब इम्पोर्टेंट चीज बढ़ा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में काम की है। एक सेकंड, तुम्हारे हिसाब से पॉइंट की नंबरिंग तो करनी हो, करना, मेरे हिसाब से सिक्स है। राइट डाउन स्टेटमेंट एवरीवन। If LHD and RHD are finite values, ये अब सब तुम बच्चे एग्री करोगे। If LHD and RHD are finite, then the function has to be continuous. Come on, all of you agree with me or not? Yes, sir. Yes, sir. बुलंद आवाज नहीं आई, अभी प्रूव किया मैंने यार, come on, not continuous है तो LHD RHD infinite आ गया था, याद करो। Yes, sir. Yes, yes, sir. तो आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री कि अगर LHD और RHD को फाइनाइट होना है, इक्वल तो छोड़ो, इक्वल होंगे या नहीं होंगे इट डजंट मैटर, फाइनाइट भी होना है तो फिर कंटिन्यूअस तो होना ही पड़ेगा। लिख लो यहां तक। तो अब इसको बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? प्लीज लिसन, स्टॉप राइटिंग नाउ। सो फॉर फाइंडिंग आउट LHD और RHD, Now we have two methods. क्या एक तो first principle तो हमेशा ही है, all of you agree with me? Yes sir. और अब दूसरा method है differentiation, but differentiation तभी करोगे जब function क्या होना चाहिए? Continuous. Continuous नहीं है तो बिल्कुल use नहीं करोगे, क्योंकि continuous नहीं है तो वैसे ही non-differentiable हो गया, agree करो बच्चों? Yes sir.
तो कंटिन्यूस है तो कर सकते हो क्योंकि फिर एल एस बी और आर एस बी फाइनाइट आएगा एक तरीके से एंड यू कैन फाइंड दैट आउट. देखो मेरे साथ कैसे, तीन एग्जाम्पल लूंगा टू क्लियर योर ऑल डे योर डाउट्स. लेट से फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर. मुझे निकालना है एफ डैश वन. तो अब एफ डैश वन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आ ही जाएगा बट अब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ क्योंकि ऑल एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस. एग्री करो? यस सर. तो बिल्कुल डिफरेंशिएट सीधा कर दो और अब एक्स की वैल्यू कितनी डाल दूंगा बच्चों में, वन. कितना आंसर आ गया? फोर. किससे निकाला अभी, फर्स्ट प्रिंसिपल से या डिफरेंशिएशन से? एवरीवन डिफरेंशिएशन से. अब फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल देता हूँ. देखो एफ डैश वन आर एच डी एल एच डी सेम तो होंगे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है बट वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकता हूँ मैं. निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि पता है कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएशन यूज कर सकता हूँ. एफ ऑफ वन प्लस एच, मैंने फालतू की इतनी डिफिकल्ट वाला लिख लिया है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. एफ ऑफ वन कितना है, फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन डिवाइडेड बाय एच लिमिट. मतलब तुम्हें फील भी आ रहा है कि कितना पथेटिक जा रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. 2h plus 4 minus 7 by h, 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, 7 से 7 चला गया everyone? Yes, sir. तो limit h tends to 0, ऊपर कितना आ गया कार्टूनों? h square plus 4h? 4h. Divided by h, ऊपर h common ले लेता हूँ, h plus 4 divided by h, h से h cancel हो गया, ds लगाया, कितना answer आ गया? 4. और वो प्यारा कितना इजीली आ गया था, फील कर रहे हो? यस सर. तो जब तुम कॉपी करोगे तुम तो बस ये फॉर्मूला लिख के लिख देना, वेरी लॉन्ग मेथड. यहां तक क्लियर? यस सर. अब दो एग्जांपल मेरे साथ और देखोगे देन आई विल टेल यू व्हाट टू कॉपी. प्लीज सी हियर, एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से 2x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4x minus 1, 4x less than 1, let's say. और यहाँ पे छोटा सा चेंज कर देता हूँ, 2x plus 1, 4x greater than equal to 1, and let's say, greater than 1, less than equal to 1, greater than 1, and यहाँ पे 4x minus 2 कर दिया. Did you observe all of you? दोनों question same है, बस छोटा सा change किया हुआ है मैंने. Yes sir. तो अब मुझे continuity भी check करनी है, differentiability भी check करनी है. Differentiability के लिए first principle भी use करना है और differentiation भी use करना है. यहाँ तक मेरे साथ हो? Yes sir. Yes sir. सबसे पहले continuity निकाल के खत्म करते हैं. चलो directly बताओ LHL कितना है? Come on. Three. LHL के लिए first branch, second branch, every branch? Second branch. Second branch. Second branch में DS लगा दिया, answer 3 आ गया everyone? Yes sir. RHL के लिए first branch, second branch? First branch. DS लगा दिया, answer 3? Yes sir. Yes sir. और F of 1 तो LHL के बराबर ही होगा क्योंकि दोनों same branch से आ रहे हैं. Continuous. Clear everyone? Yes sir. चलो जल्दी से यहाँ पे बता दो LHL कितना है एवरीवन? टू. याद है, दिख रहा है सबको? यस सर. यस सर. दैट इज सेम एज एफ ऑफ 1, करेक्ट ना? यस सर. यस सर. क्या RHL बता दो, फर्स्ट ब्रांच? 3. 3. 3. कंटीन्यूअस, नॉट कंटीन्यूअस? नॉट कंटीन्यूअस. नॉट कंटीन्यूअस. नॉट. अब डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे किसी बच्चे ने डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज कर दिया और उसने कंटिन्यूटी चेक नहीं करी होती, देखो कितना गलत आता. तुम सबको पता है नॉट कंटिन्यूस है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, सबका बड़ा है. एफ डैश वन प्लस कहाँ से आएगा, फर्स्ट ब्रांच से आएगा, एग्री करो? यस सर. कितना आंसर आ गया, 2 आ गया, आए ना? यस सर. यस सर. इधर भी एफ डैश वन प्लस अगर तुमने फर्स्ट ब्रांच को डिफरेंशिएट कर दिया होता तो आंसर 2 आ गया होता, है ना? यस सर. यस. सो 2 आ गया, यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल गलत है. क्यों? अब फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक करें, वो तो हमेशा सही देगा, है ना? यस सर. यस सर.
चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालता हूँ, देखो f डैश वन प्लस, जल्दी से मुझे कोई फॉर्मूला बोलो भाई, f ऑफ a प्लस a प्लस h वन प्लस h माइनस f ऑफ वन वन h माइनस यस सर यस, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज करूंगा ऑब्वियसली, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ वन प्लस h माइनस f ऑफ वन बाय h. चलो फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं फिर सेकंड को सॉल्व करेंगे. f ऑफ वन प्लस h बोलो फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच फर्स्ट ब्रांच दिख रहा है ना 2x प्लस 1 यस सर यस 1 प्लस h प्लस 1 f ऑफ 1 तो सबको दिख रहा है 3 है यस डिवाइड बाय h. चलो जल्दी से फील करो, बिल्कुल सही आंसर आएगा 2 प्लस 1 3, 3 से 3 चला गया बचा 2h, 2h अपॉन h आंसर 2. सही आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर. चलो इधर निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 1 प्लस h फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच फर्स्ट ब्रांच 2 इनटू 1 प्लस h प्लस 1 f ऑफ 1 की वैल्यू एवरीवन 2 दिख रही है ना? यस सर. डिवाइड बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 2 से 2 चला गया तो 2h प्लस 1 अपॉन h. कौन बताएगा इसका आंसर 2 है या डज नॉट एग्जिस्ट या इनफिनिटी है, क्या है बोलो? इनफिनिटी इनफिनिटी सबको दिख रहा है 0 प्लस 1 1 अपॉन 0 प्लस इसका आंसर प्लस इनफिनिटी है. यस सर यस सर. ये आंसर सही आया है गलत आया? गलत. हां गलत आया, मतलब f डैश 1 प्लस एक्चुअली कौन है, 2 है या इनफिनिटी है? व्हाट डू यू थिंक? इनफिनिटी इनफिनिटी है, 2 गलत है. तो ये क्या पॉइंट लिखा है सबको क्लियर है क्यों गलत आया? क्योंकि डिफरेंशिएशन से तभी करना है जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए बताओ? कंटीन्यूअस. कंटीन्यूअस अदरवाइज आंसर गलत ही आएगा. सबको क्लियर है? यस सर. तो एक बार समराइज करें फिर लिखोगे या फिर पहले लिखोगे फिर समराइज करें? तुम बोलो. समराइज फिर बोलो बच्चों. चलो फटाफट कॉपी कर लो जो तुम्हारी इच्छा है, बट कॉपी शॉर्ट में. अब जैसे इतनी रामायण तो कॉपी नहीं करोगे ना? नहीं सर. देना वेरी लॉन्ग मेथड सेम आंसर. कम ऑन कॉपी पास्ट.
फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया सबका कॉपी शॉर्ट में. ओके कॉपी करो फटाफट. सॉरी आर यू देयर बच्चे? यस सर. हाँ आर यू देयर लड़के? ठीक. ये भी हर स्टेप कॉपी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, जल्दी से बस दिखा दो कि अच्छा ये आता है इसका आंसर, इसका आंसर इनफाइनाइट आता है. एवरीवन डन? टेन सेकंड्स. और जो बच्चे स्लो कर रहे हैं जल्दी कॉपी करो 10 सेकंड. और जिनका हो गया है एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज करो. Please revise every point till now. Revise it. फिर मैं true or false question पूछने वाला हूँ. Yes, I think done everyone. Yes, sir. Revise भी एक बार कर लिया होगा मेरे साथ ही. Objective question का answer करो, revision हो जाएगा. Let's see. Ready all of you? Mic on करके जवाब देना है, chat पे देना है, जैसे भी देना है बस. Function differentiable है. So continuous, not continuous, maybe. Continuous. Good. नेक्स्ट. फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, मे बी. ओके नेक्स्ट इधर देखते हैं. फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल, मे बी. वेरी गुड. फोर्थ, नॉट कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल, नॉन डिफरेंशियबल, मे बी नॉट डिफरेंशियबल. नॉन डिफरेंशियबल. नाउ क्लियर एवरीवन? यस सर. जस्ट अ सेकंड. हाँ यस. तो अगर बताओ किसी क्वेश्चन में, जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं देखो एग्जामिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x equals to 1 फॉर दिस फंक्शन. लेट्स से f of x इज 3x plus 5 for x greater than equal to 1, 2x
now we have 2x plus 6 for x less than 1. तो इसके लिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करने होते हैं। अब सुनना मेरे साथ, तो पहले कौन सा चेक करें, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी? मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, लेट मी टेल यू दैट, दोनों के अपने फायदे हैं। अगर पहले कंटिन्यूटी चेक किया, सुनना ध्यान से, और अगर नॉट कंटिन्यूस निकल आया तो फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एग्री करो? यस सर। तो कैन आई से कंटिन्यूटी का ये फर्स्ट फायदा है एवरीवन? यस सर। यस सर। सेकंड, अगर डिफरेंशियबिलिटी पहले किया तो भी फायदा है कि डिफरेंशियबल निकल आया तो फिर कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्री करो? यस सर। यस सर। तो सबको दोनों की एक एक फायदे दिख रहे हैं, एडवांटेज दिख रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। बट स्टिल हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले। टेल मी द रीजन व्हाई। अरे पहला तो सिली रीजन है कि पहले टेस्ट करने जाएंगे तो उसमें गड़बड़ भी हो सकती है अगर। मतलब देखो कंटिन्यूटी के दोनों फायदे हैं, सुनो ध्यान से। कंटिन्यूटी का फायदा पहला तो कि नॉट कंटिन्यूस निकला तो आजादी है ना? यस। अगर नॉट कंटिन्यूस निकला फिर तो नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, खत्म हो गया। बट कंटिन्यूस निकल गया तो डिफरेंशियबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना? यस सर। बट उसका ये फायदा है कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने की जरूरत नहीं है, नाउ वी कैन यूज डिफरेंशिएशन। कम ऑन, एग्री करो, क्योंकि कंटीन्यूअस तो निकला है तो टाइम बचेगा ना? यस सर। हां ना। और व्हाइल अगर तुमने डिफरेंशियबिलिटी पहले चेक किया तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हैं, मैंने बता दिया है कि नॉट कंटीन्यूअस निकल आया तो गड़बड़ हो जाएगी, हां है ना? यस सर। फिर तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करोगे डायरेक्टली, हां है ना? यस सर। और तो टाइम लगेगा, तो दिख ही रहा है हमें कंटिन्यूटी ही पहले करनी चाहिए, हां है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो मैं कुछ कॉपी नहीं करना है, तो सब रिविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे तो सबसे पहले अपन कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कहना इसे कंटिन्यूटी के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, दिमाग में हो जाता है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Come on, मेरे साथ ही चलो, मैं बस बोल रहा हूँ, मैं भी लिखूंगा नहीं, बट यू आर गोइंग टू सी एंड विजुलाइज। एल एच एल फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, और एल एच एल का आंसर कितना आ गया? Eight. 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 सब मेरे साथ हैं? यस सर। आरएचएल फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, उसका भी आंसर कितना है? 8। और एफ ऑफ 1 तो सेम ही है ना आरएचएल के? यस सर। तो दोनों सेम है तो कंटीन्यूअस नॉट कंटीन्यूअस? कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस। तो कैन आई से सबको क्लियर है कि कंटिन्यूटी इतना फास्ट कर सकते हैं हम एवरीवन? यस सर। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक कर रहा हूं, तो कैन आई यूज डिफरेंशिएशन नाउ एवरीवन? यस सर। क्यों कर सकता हूं? क्यों कर सकता हूं? कंटीन्यूअस है फंक्शन, कंटीन्यूअस है फंक्शन, क्योंकि कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन यूज कर लूंगा। चलो मेरे साथ एलएचडी, किसको डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट ब्रांच को, सेकंड ब्रांच को? सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच को। तो 2 हो गया आंसर, करेक्ट? यस सर। आरएचडी के लिए किसको डिफरेंशिएट करूंगा, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, कितना हो गया? सबको समझ में आ गया कैसे फास्ट करना है एवरीवन? यस सर। यस सर। ये कॉपी नहीं करना है, कैन यू डू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। जस्ट अ सेकंड, देख लो इसको आराम से ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अटकना नहीं है। Start. Examine continuity and differentiability for the 3 parts. Start first question. Yes, sir.
फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूटी तो दिमाग में हो गया होगा. यस सर. कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट, देन ओनली मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड्स और, जिनका हो गया वो आगे बढ़ सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स पे चेक करना है, 1 पे, 2 पे, 0 पे. ओके, फर्स्ट आंसर चिल्लाओ, कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस, पहली बार. कंटिन्यूअस. 1 पे ये 2 है, ये भी 2 है, कंटिन्यूअस ना एवरीवन? यस सर. ओके, डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल. नॉन डिफरेंशिएबल. दिख गया इसका 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, कोई डाउट किसी को? नो सर. कंटिन्यू, सेकंड क्वेश्चन करो आराम से. तुम्हारा लिमिट्स का बच्चों टॉपिक वाइज टेस्ट कब है यार, कोई डेट पता है तुम्हें? हाँ एवरीवन, एक मिनट चेक करना होगा, चेक करके बताया एक बार. एनीवन कैन चेक प्लीज टेल मी. अच्छा सेकंड हो गया क्या? 1, 2, 0 पे सब पे? Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम 2 और 0 पे चेक कर रहे हो तो उल्लू हो, 2 और 0 पे कुछ नहीं करना है. Yes or no, everyone? Yes, sir. चलो मेरे साथ. 1 पे हम चेक क्यों करते हैं ये सबको क्लियर है? क्योंकि 1 पे डेफिनेशन स्प्लिट होती है, हाँ है ना? Yes, sir. क्योंकि 1 पे LHL अलग से आ रहा है, F of 1 अलग से आ रहा है, RHL अलग से आ रहा है. So what do I mean by that? कि x equals to 2 पे कुछ चेक करना है या फिर कंटिन्यू सीधा लिखना है? सबने लिमिट्स में याद है मैंने लिखाया था एल्जेब्रिक फंक्शन सब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं एक तरीके से. यस सर. तो उन पे चेक करने की जरूरत नहीं है. देखो 2 का राइट, 2 का लेफ्ट और 2 सब इसी ब्रांच से आ रहे हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. सो देयर इज नो नीड टू चेक एनीथिंग फॉर 2. 2 के लिए सीधा लिखना है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. व्हाट अबाउट 0? चेक करना है या सीधा लिखना है? कम ऑन, डायरेक्ट सीधा लिखना है. यस प्लीज रिप्लाई. 0 पे सीधा लिखना है. सीधा लिखना है क्योंकि फर्स्ट ब्रांच से ही आ रहा है सब कुछ. यस और नो? यस सर. तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल कुछ चेक नहीं करना है. बट 1 पे वी हैव टू राइट डायरेक्टली और वी शुड चेक? चेक बिकॉज डेफिनेशन इज स्प्लिटिंग अप. तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो पहले. तो चलो मुझे दिख रही है 1 पे ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कंटिन्यूस है, हाँ ना? यस सर. ओके, डिफरेंशिएबल के लिए माइनस 4 है, ये 2 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है, करेक्ट एवरीवन? यस सर. सेकंड क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर.
थर्ड क्वेश्चन करो। स्टार्ट पॉपिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग। थर्ड क्वेश्चन में मुझे मॉड दिखता है, दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, मॉड के लिए मैंने कुछ हिंट दिए, पहले कुछ बोला है मॉड में हमेशा क्या करना चाहिए? पीस वाइज फंक्शन में ये ब्रेक करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। मॉड को हमेशा ब्रेक कर देना चाहिए प्लस के साथ या माइनस के साथ। नहीं लिखा है तो लिख दो और करो। वेन एवर यू सी मॉड उसको ब्रेक कर दो। तो बताओ अभी मॉड वाले को मुझे वन प्लस पे ही ब्रेक करना है ना? ऑब्वियसली ना। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दो। बिफोर यू डू एनीथिंग, ये वाली ब्रांच तो सेम ही है x लेस देन वन वाली, बट ये वाली ब्रांच को मुझे ब्रेक कर देना चाहिए बच्चों। तो कम ऑन, अगर मैं वन से थ्री पे बात करना चाहता हूँ तो ये कैसे ओपन होगा? प्लस के साथ या माइनस के साथ? यस, ये प्लस के साथ भी ओपन होगा, बट मुझे वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है। ऑल ऑफ यू एग्री ऑर नॉट? यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट एवरीवन। यस सर। यस सर। ये मॉड को हमने ओपन कर दिया, अब सब हैंडल करना आसान होगा। तो सबको ये एडवाइस याद रहेगी, मॉड को देखते ही ब्रेक करोगे एवरीवन? यस सर। कंटिन्यू। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो। हरी अब continuous, not continuous, continuous, continuous. last 10 seconds पे discuss कर रहे हैं। ओके, मेरे साथ x equals to 1 पे पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है। LHL यहाँ से आएगा 1 by 4 minus 3 by 2 plus 13 by 4, 14 by 4 that is 7 by 2 minus 3 by 2, 4 by 2 that is 2. RHL कहाँ से आएगा? इधर से आएगा minus of 1 minus 3 that is 2, तो कंटिन्यूस है, आया ना? यस सर। यस सर। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कैन आई यूज डिफरेंशिएशन एवरीवन? यस सर। यस सर। LHD के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा और x को कितना रखूंगा फिर फाइनली, ये बताना। 1 बिल्कुल सही। सो 2 by 4 minus 3 by 2 that is 1 by 2 minus 3 by 2 that is minus 1, सही है एवरीवन? यस। RHD के लिए इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, करेक्ट ना? यस यस।
that is minus one. So differentiable or not differentiable? Differentiable. Different. So continuous and differentiable at x equals to one. Clear? Yes, sir. किसी को डाउट? नो सर. आगे बढ़ सकते हैं फिर एवरीवन? यस सर. यस सर. चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन. बिल्कुल इजीली कर सकते हो, बट ये बस रिवर्स क्वेश्चन है. डिफरेंशिएबिलिटी बोल रखा है, पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है. बट कैन आई से अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही है ना एवरीवन? यस सर. कंटिन्यू. जब भी आंसर आ जाए चैट पे लिखना. बहुत इजीली आएगा. कम ऑन, ए और बी दोनों का आंसर लिखोगे एक साथ. सर्वेश, देखो सर्वेश का भी क्या अगर जल्दी से सबसे पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा रहे हो या डिफरेंशिएबिलिटी की? हमने सीखा है कंटिन्यूटी की लगाओ सबसे पहले. इजी कंटिन्यूटी की लगाओ. एल एच एल इक्वल टू आर एच एल. कम ऑन, एफ ऑफ माइनस वन तो इसके बराबर ही है. एल एच एल कहाँ से आएगा? फर्स्ट ब्रांच में डी एस लगाओ. जल्दी करो. सलीम सलीम स्टेक, ईशान सलीम स्टेक. ध्यान से करो नालायक हूँ. सलीम स्टेक है, करेक्ट कर जल्दी से. करेक्ट ब्रो. करेक्ट प्रशांत. अवनी मिस्टेक. ब्रो करेक्ट. रविया मिस्टेक है अभी भी. लास्ट 10 सेकेंड्स. हरी अप.
कृष्णा मिस्टेक कृष्णा करेक्ट प्रशांत करेक्ट डिस्कस कर रहे हैं हम प्लीज सी ऑन द स्क्रीन एलएचएल कितना है बोलते जाओ मेरे साथ एवरीवन चलो कोई बच्चे कर रहे हैं अभी भी तो 30 सेकंड्स और दे रहा हूँ 30 सेकंड्स में फिनिश करो ओके 30 सेकंड्स enough time of go let's just starting here everyone now see on the screen please see on the screen LHL equals to RHL LHL कहाँ से आएगा first branch पे DS लगाने से A into minus 1 plus B RHL कहाँ आएगा second branch पे DS लगाने से A into minus 1 plus minus 1 plus 2B तो minus A से minus A cancel हो गया B एक second B is equals to minus 1 plus 2B. So therefore, B is equals to 1 again. So yeah, everyone? Yes, sir. Yes. Now, differentiability ki condition lagani padegi. So LHD equals to RHD. LHD ke liye kaun si branch ko differentiate karunga, everyone? First branch? First branch. So, uska differentiation to A ho gaya. RHD ke liye second branch ko differentiate karunga. Aur uske baad X ki value kitni rakhunga, everyone? क्या Yes, sir. जल्दी कॉपी करो यहाँ तक फिनिश करो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कॉपी हो गया क्या सबका नेक्स्ट क्वेश्चन If f of x equals to a plus bx square for x less than 1, bax minus b plus 2 for x greater than equal to 1 is differentiable at x equals to 1. Find a and b. Come on. कोई मिस्टेक नहीं वन शॉट में करेक्ट आंसर चाहिए
वेरी गुड शांत जैन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, सयम करेक्ट, सर्वेश मिस्टेक है, चेक कर जल्दी, प्रशांत करेक्ट, अदर्स हरी अप, सोफिया करेक्ट, नाविक मिस्टेक, अग्नि करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, लास्ट 30 सेकंड्स, अदर्स और किसी का आया ध्रुव मिस्टेक, सर्वेश करेक्ट, अब ध्रुव करेक्ट हो गया, चल बहुत टाइम दे दिया, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन नाउ। सबसे पहले ऑब्वियसली क्या इंश्योर करेंगे, कंटिन्यूटी, तो LHL इज इक्वल टू RHL, एवरीवन f ऑफ 1 तो इसी के बराबर है, तो LHL कितना हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस 2, तो यहां से कितना आ गया, सब कुछ राइट साइड में ले जाते हैं, 2a माइनस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। यस, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही, अभी दिख रही है? हां अभी दिख रही है। यस सर, कंटिन्यूटी के लिए LHL इक्वल्स टू RHL बच्चों, एज आई वाज सेइंग, सो LHL ये फर्स्ट ब्रांच से आ गया, सेकंड ब्रांच से ये आ गया, सब कुछ राइट साइड में ले जा रहा हूँ, 3a और a 2a माइनस b p 2b प्लस 2 इक्वल टू 0 और a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0 और b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, करेक्ट एवरीवन? यस सर, तो बस ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी पे आगे बढ़ते हैं, इतना इजी तुम्हें बता दिया है, LHD equals to RHD, LHD के लिए पहले वाली ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा 2bx, करेक्ट ना? यस सर, और x को 1 रखना है, RHD के लिए सेकंड ब्रांच को डिफरेंशिएट करूंगा 3a, काम खत्म, सो 2b is equals to 3a है, अब b की वैल्यू डाल देते हैं, 2 into a plus 1 is equals to 3a, तो यहां से डाली है मैंने, तो 2a plus 2 is equals to 3a, इसको इधर ले जाता हूँ, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 तो b a प्लस 1 है, तो हेंस b इज 3, सिंपल वेरी, यस सर, 10 सेकंड्स टू कॉपी, किसी को कोई डाउट? नो सर, चलो आगे बढ़ रहे हैं, इधर देखो एवरीवन, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो काफी तंग करता है बच्चों को, लेट अ रियल वैल्यूड फंक्शन f बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज x की पावर अल्फा इनटू साइन ऑफ 1 बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 and 0
4x equal to 0. यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस मान लो तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? क्वेश्चन तो क्लियर है? यस सर. चलो अब देखो यहाँ से कि ऐसा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस बोल रखा है. कंटिन्यूअस मतलब लिमिट, क्योंकि एल एच एल आर एच एल दोनों यहीं से आ रही है तो कंटिन्यूटी के लिए यही लिखूंगा ना. कंटिन्यूअस मतलब लिमिट इज सेम एज एफ ऑफ जीरो एवरीवन. यस सर. तो कंडीशन सबकी डाल देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फा इनटू sin 1 बाय x इज f ऑफ 0. f ऑफ 0 का आंसर 0. तो अब हमें अल्फा की वैल्यू जज करनी है. तो अब तुम खुद बताओ अगर इसकी जगह अल्फा की वैल्यू 0 होती, मान लो अल्फा की वैल्यू 0 होती तो x की पावर 0 1 हो जाता है एवरीवन? यस सर. तो क्या इसका आंसर जीरो होता है या ये तो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी होती है? याद करो, कम ऑन याद करिए. यस सर याद आया कुछ लास्ट क्लास में? यस सर. हाँ सर. नहीं याद आया? यस सर. याद आया तो देख लो ये तुम्हारे लास्ट क्लास के नोट्स है. याद आया ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी एवरीवन? यस सर. Yes, क्या बताया था कि इसकी वैल्यू तो माइनस वन टू वन के बीच में ऑसिलेट होती है, हम लिख नहीं सकते. हाँ है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई तब तो आंसर जीरो नहीं होगा, मतलब अल्फा कैन नॉट बी जीरो. एग्रीड? यस सर. यस सर. तो चलो अल्फा जीरो नहीं हो सकता. तो थोड़ा सोचने के लिए देख रहे हैं आप अल्फा को. लेट से आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है बोलो. पहले वन ले लेते हैं, सबसे सिंपल वन, ताकि समझना आसान होता है. एक्स की पावर वन इंटू साइन वन बाय एक्स जीरो होना चाहिए. होता है क्या? व्हाट डू यू कुछ सोचो? नो सर. थिंक. डीएस लगाओ. डीएस कम ऑन लिमिट लगाओ. यस सर. हाँ भाई ये जीरो ही है. एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जो मैंने पहला वाला सर्कल किया उसकी वैल्यू कितनी जा रही है? जीरो. हाँ है ना? Yes, sir. और तो ये दूसरा जो ऑसिलेटिंग वाला टर्म है उसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में होती है एवरीवन? -1 to -1. अरे 0 into -1 to 1 तो 0 ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? खुद बताओ. Yes, sir. So alpha equal to 1 possible or not? Yes, sir. Possible. चलो 1 के अलावा कोई और पॉजिटिव वैल्यू बोलो, कोई भी. चलो 0 और 1 के बीच की या पहले बड़ी वैल्यू ले लेते हैं. 1.5 2 ले लें? 2 ले लें? इंटीजर होना जरूरी नहीं है. 1.5 ले लेते हैं. चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 1.5 इनटू sin 1 बाय x. क्या ये भी जीरो ही है क्या? सोचो जल्दी. यस सर. यस सर. डीएस लगाने से ये तो जीरो पे जा रहा है, ये तो अभी भी -1 to -1 जा रहा है, जीरो ही है ना एवरीवन? यस सर. चलो अब नेक्स्ट अल्फा की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में कोई ले लेते हैं, लेट्स से 0.5. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अंडर रूट ऑफ 0.5 भी वहीं जाता है. हां है ना? थोड़ा जज करना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. क्या ये जीरो पे जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिकॉज एक्स की पावर -0.5 इज सेम एज डिनोमिनेटर में चले जाएगा वो तो. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Come on, बताओ ये सही है गलत है? गलत है. गलत है, ये जीरो नहीं जा रहा है कार्टूनों. अरे डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा. हाँ है ना? Yes, sir. तो कम ऑन, ये तो हर नेगेटिव के लिए होगा, अब तक जज हो जाना चाहिए, क्योंकि हर नेगेटिव के लिए नीचे एक्स चले जाएगा. कम ऑन. Yes, sir. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा की ऐसी वैल्यू बताओ जो लिमिट का आंसर जीरो दे रही है, क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? आप तो बोल दो अल्फा हैज टू बी कम ऑन ग्रेटर देन जीरो फॉर लिमिट टू बी इक्वल टू जीरो और फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो. क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. अगर एक्स बस एग्जिस्ट करेगा, कैन आई से लाइक दैट कि बस एक्स की पावर एग्जिस्ट करनी चाहिए फिर काम, पॉजिटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए फिर काम खत्म? यस सर. यहाँ तक कॉपी करूँ? And as your copy, think.
सर द पेज इज नॉट विजिबल विजिबल है यस सर यस सर जल्दी कॉपी करो कॉपी करने के बाद तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है खुद से सॉल्व करो वेरी गुड प्रशांत मैंने बहुत सारी वैल्यूज लेके समझाया तुम एक या दो वैल्यूज लेके समझा दो यार यस सबका कॉपी हो गया यहाँ तक एवरीवन यस सर कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो तो फिर अल्फा की वैल्यू बतानी है आर यू विद मी यस सर अच्छा डिफरेंशिएबल मतलब क्या क्या कंडीशन लगाऊं बताऊंगा कि कौन सी फाइनाइट वैल्यू है एल एच डी के लिए सिमिलरली कर सकते हैं व्हाट इज माय पॉइंट ठीक है दो बार करना पड़ेगा यहाँ पे तो पहले मैं आर एच डी इक्वल टू फाइनाइट की कंडीशन लगा रहा हूँ देखना मेरे साथ आर एच डी का फॉर्मूला फटाफट जीरो पे एवरी वन फर्स्ट प्रिंसिपल जीरो प्लस एच माइनस बोलिए जल्दी एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच माइनस शुड बी अ फाइनाइट वैल्यू करेक्ट ना यस सर ओके एफ ऑफ जीरो प्लस एच कहां से आएगी फर्स्ट ब्रांच सेकंड ब्रांच फर्स्ट ब्रांच देख लो एच की पावर अल्फा ना h की पावर अल्फा इनटू साइन वन बाय h f ऑफ जीरो जीरो है नीचे h विद मी एवरीवन यस सर ये एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए करेक्ट ना यस सर तो जीरो तो हट गया h को ऊपर ले गया तो कितना आ गया h की पावर अल्फा माइनस वन इनटू साइन ऑफ वन बाय h एक फाइनाइट होना चाहिए
कमॉन एवरीवन, आज कितनी दिमाग है कि ये तो पुराने टाइप का ही हो गया, कंटिन्यूड वाला ही हो गया ऑलमोस्ट, कमॉन। डिफरेंस था कि वहां पे एक्स की पावर अल्फा थी, यहाँ पे एच की पावर अल्फा माइनस वन है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन है, कमॉन। यस सर, तुम सबको याद है कि वहां पे मैंने समझाया था कि अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, याद आया? अल्फाइनाइट आंसर आता है, आए ना बच्चों? यस सर। और अल्फा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो जीरो आंसर आता है, आए ना? यस सर। यस, तो तुम खुद बताओ कि यहाँ पे फाइनाइट के लिए अल्फा को कितना होना पड़ेगा और फाइनाइट वैल्यू क्या है, कमॉन बोलो। ग्रेटर देन वन। फॉर फाइनाइट वैल्यू एच की जो भी पावर है उसको कितना होना पड़ेगा एवरीवन, कमॉन? ग्रेटर देन जीरो, है ना? यस सर। दैट इज अल्फा का तो आंसर आ गया, और वो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. मतलब कहना इसे यहाँ से RHD का आंसर जीरो आ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. अभी LHD सॉल्व किया है या नहीं किया अभी तक हमने? नहीं किया। तो सिमिलरली LHD निकालोगे वो भी सेम, LHD विल बी जीरो व्हेन अल्फा विल बी ग्रेटर देन वन। सो हमारा डिस्कस हो गया कि LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू जीरो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एवरीवन? ग्रेटर देन। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, थोड़ी मेहनत करके कर लिया, कम ऑन कंप्लीट इट। Copy fast. कॉपी हो गया एवरीवन? हाँ बच्चों, कोई डाउट यहाँ था? नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बॉक्स के क्वेश्चन करेंगे, बॉक्स फ्रैक्शनल एक्स। ओके बाय बाय, जो भी होमवर्क होगा वो मैं ग्रुप पे भेज ही रहा हूँ, तुम्हारा ये होमवर्क भेज रहा हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय, दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ।